Hello, my dear brothers and sisters. How are you all? I hope that you are doing very well and you are safe at your place. Now, today we are going to continue the topic of Francois Bernier. Last video में हमने पढ़ लिया था the question of land ownership, जो कि viewpoint था Bernier का about India, कि यहाँ पर land की ownership किस type से है. अब हम Bernier के next topic पे जा रहे हैं, वो है a more complex social reality, जो कि पेज नंबर 133 पर गिवन है. अब देखिए इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि Bernier ने जो हमारा सोसाइटी का जो व्यू दिखाया है वो इतना सिंपल नहीं था जैसे उसने बता दिया, ठीक है. परंतु बहुत सारी चीजें और थी जो कि उनकी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं. तो इस टॉपिक के अंदर हम वही बात करेंगे, ठीक है. नंबर वन चीज है जो Bernier का व्यू पॉइंट है आर्टिसंस को लेकर, ठीक है. आर्टिसन मतलब जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं. अब देखो जो Bernier है उन्होंने क्या बोला कि जो आर्टिसंस हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया के, उन्हें कोई भी हेल्प नहीं करता. जो यहाँ के किंग हैं वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंक्रीज हो जाए इंडिया के अंदर. इसकी वजह से हर एक जगह इंडिया में देयर वाज डिक्लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स अकॉर्डिंग टू दी Francois Bernier, ठीक है. एट द सेम टाइम वो अपने अकाउंट में ये लिखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा रिच मैन्युफैक्चरर्स एग्जिस्ट करते हैं. मतलब अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. पहले कह रहे हैं कि आर्टिसंस का डिक्लाइन हो रखा है, फिर ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा रिच आर्टिसंस हैं, ठीक है. इन्होंने बताया अपने ही अकाउंट में कि जो इंडिया है वो क्या करता है, काफी सारी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को बाहर भेजता है, ठीक है. मतलब कि एक्सपोर्ट करता है, इंडिया से बाहर प्रोडक्ट्स जाते हैं और वापस बदले में इंडिया को क्या मिलता है, गोल्ड और सिल्वर मिलता है. तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर और बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं अकॉर्डिंग टू Francois Bernier. तो ये अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है. अपने आप को ही गलत साबित कर रहे हैं. फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है. अब उसके बाद देखो ये फर्स्ट चीज होगी कि आर्टिसंस के बारे में Francois Bernier ने क्या बोला. उसके बाद देखिए अर्बन पीपल के बारे में इन्होंने क्या बोला. अब Francois Bernier कहते हैं कि जो आपके अर्बन टाउन्स है ना, जो सिटीज है, वो एक्चुअल में कैंप टाउन्स है. कैंप का मतलब आपको पता होगा कि जैसे हम एक टेम्पररी सा जब भी टेंट लगा लेते हैं तो उसे कैंप बोलते हैं. तो इनके अकॉर्डिंगली टाउन्स में ऐसा कुछ खास है नहीं है, ठीक है. सारे लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे कि रेफ्यूजी कैंप आपने देखे होंगे कि कहीं पे फोटो वगैरह में, कि लोग जो है वो टेम्परेली रहते हैं. तो इन्होंने कहा कि टाउन्स की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पर कैंप टाउन्स जैसी सिचुएशन है और खुद टाउन्स में कुछ है नहीं है. सब कुछ जो है वो राजा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. अगर राजा इनकी हेल्प कर दे तो सब कुछ अच्छा है, नहीं करे तो सब कुछ बुरा है, ठीक है. तो इन्होंने कहा कि इम्पीरियल पैट्रोनेज के ऊपर ये जो अर्बन सिटीज हैं, मतलब शहरी इलाके हैं, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं. पर अगर हम दूसरे एविडेंसेस को देखें तो ये पता चलता है कि 17th सेंचुरी, कैसे लिखोगे 17 से पहले आते 1601 और 17 लिखो 00, ठीक है, सी ई. मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में 15% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, 15% जो है वो कहाँ पर रहती थी, पॉपुलेशन अर्बन एरियाज के अंदर, मतलब शहरी इलाकों के अंदर. और ये जो शहरी इलाके होते थे ये जो है बहुत डेवलप्ड टाइप के बताए गए हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स होती थी जहां पर मैन्युफैक्चर का काम हो रहा है, कहीं टाउन्स होती थी ट्रेडिंग जहां पर सिर्फ ट्रेड किया जाता था, कहीं होती थी पोर्ट टाउन्स, मतलब कि जहां से जो सामान बनाया है उसे ट्रांसपोर्ट करने का थ्रू शिप्स काम किया जाता था. सेक्रेट सेंटर्स हुआ करते थे जहां पर धर्म स्थल बोलते हैं जिनको. पिलग्रिमेज टाउन्स होती थी जहां पर लोग जो है तीर्थ यात्रा वगैरह करने आते थे. तो आप देख सकते हो कि 15% जो पॉपुलेशन है हमारी वो अर्बन एरियाज में रहती थी. और उस टाइम के यूरोप, मतलब 17th सेंचुरी के यूरोप की इतनी पॉपुलेशन जो है अर्बन सिटीज में नहीं रहती थी. तो आप देख सकते हो हम उनसे आगे हैं. पर Bernier क्या कह रहे हैं कि हमारी टाउन्स तो कैंप टाउन्स थी. तो आप देख सकते हो कितने ज्यादा ओरिएंटल डेस्पोटिज्म वाला व्यू पॉइंट है इनका, कि इन्होंने यही दिखा दिया कि ईस्ट जो है वो सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन में है.
अगर हम और बर्नियर को थोड़ा गलत प्रूव करने की कोशिश करें तो मर्चेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा प्रॉस्पर कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने जो है अपनी बॉडीज बना ली थी, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बना ली थी मर्चेंट्स ने, किस बेसिस पर, इन सभी की कास्ट सेम होगी, ठीक है, और ऑक्यूपेशन मतलब जो काम कर रहे हैं मर्चेंट, तो इन्होंने ऐसी बॉडीज बना ली, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो है इन ऑक्यूपेशनल बॉडीज को महाजन्स बोलते थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कोई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो लकड़ी का काम कर रहे हैं, फर्नीचर वगैरह, तो उन्होंने अपना एक महाजन बना लिया, और जो वो महाजन है उसका जो चीफ मतलब हेड होगा उसे सेठ बोला जाएगा, ठीक है। अहमदाबाद के अंदर जो ऐसी बॉडीज होती थी, महाजन्स होती थी, उसके चीफ को जो है वो नगर सेठ बोलते थे, ठीक है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद देखिए, और हम कहें कि अर्बन कहीं और भी ग्रुप्स हुआ करते थे, ठीक है, मर्चेंट्स को के अलावा, ठीक है, तो काफी डेवलप्ड सिस्टम था। फिजिशियंस होते थे मतलब डॉक्टर्स होते थे जिन्हें हकीम या फिर वैद बोला जाता था, टीचर्स होते थे जिन्हें पंडित या फिर मुल्ला बोला जाता था, लॉयर्स होते थे जिन्हें वकील बोला जाता था, तो इन्होंने भी अपने अपने ग्रुप बना रखे थे, ठीक है। और कई ऐसे लोग थे जो कि अपनी इनकम जो है दो सोर्सेस से लेते थे, ठीक है, मतलब ये जो सारे ग्रुप्स होंगे ना, बहुत सारे ग्रुप्स, ये इनकी दो सोर्सेस से इनकम आ सकती है। कई लोग होते थे जो कि इंपीरियल पैट्रोनेज के ऊपर डिपेंड करते थे। आपको पता है पैट्रोनेज क्या होता है, आप कोई सर्विस कर रहे हो और जो इंपीरियल का क्या मतलब होता है, जो राजघराने से रिलेटेड है, तो वो आपको पैसा देंगे, वो आपको कमीशन देंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, इंपीरियल पैट्रोनेज। तो आप फिजिशियन जो है वो राजा की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर बन के, कोई भी उन्हें बीमारी है, जो उन्हें रिटर्न में मिलेगा उसे बोलेंगे इंपीरियल पैट्रोनेज। या फिर जो ये लोग हैं वो आम जनता ऑर्डिनरी पीपल को भी सर्व करके पैसा कमा सकते थे। तो आपने ये सोशल वेरी कॉम्प्लेक्स रियलिटी वाला टॉपिक पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पे, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम बात करेंगे वुमेन स्लेव सती एंड लेबरर्स, जो कि टॉपिक है पेज नंबर 135 के ऊपर। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, इन दिस टॉपिक वी विल बी रीडिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन इंडिया, ठीक है, कि बुरी कंडीशन थी या फिर अच्छी कंडीशन थी। तो आप दोनों एस्पेक्ट्स को देखोगे इस टॉपिक के अंडर। तो स्लेव्स की तरह वुमेन काम करती थी, सती प्रैक्टिस थी, और लेबरर्स की तरह भी काम करती थी वुमेन, ठीक है, पेज नंबर 135 पे है। अब देखो, सबसे पहले बताया गया है कि जो आपके ट्रैवलर्स थे ना वो ज्यादातर मेन थे, ठीक है, ऑलमोस्ट देर वॉज नो वेमेन ट्रैवलर, ठीक है। तो जो आपके फ्रेंड कॉइस बर्नियर, इबन बतूता, अल बिरूनी, जिनके बारे में भी आपने पढ़ा है, इनमें से कई जो ट्रैवलर्स थे वो सोचते थे कि जो वुमेन की बुरी कंडीशन है कहीं पर भी, वो एक नेचुरल बात है, ठीक है, उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो इग्नोर कर देते थे इन सारी चीजों को। और हमने देखा है कि गिफ्ट देना जो है वो बहुत मतलब प्रेवलेंट था उस टाइम पर, और गिफ्ट के अंदर ना ये स्लेव्स को भी गिफ्ट करते थे, और स्लेव्स में दोनों टाइप के होते थे, मतलब मेल स्लेव्स भी थे और फीमेल स्लेव्स भी थे। तो अगर आप देखो, तीन आपको एविडेंसेस मिलते हैं कि लोगों को एज ए स्लेव गिफ्ट कर देना, ठीक है, जो कि आज के टाइम में बहुत अजीब बात होगी, वो ऐसा बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था उस टाइम पर, ठीक है। तीन एविडेंसेस देखते हैं हम। इबन बतूता ने अपने अकाउंट के अंदर बता रखा है कि जब इबन बतूता सिंध जगह पे पहुंचे, ठीक है, वहां पर ये जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मिले, तो ये उनके लिए क्या क्या लेकर गए थे, हॉर्सेस लेकर गए थे, कैमल्स, और स्लेव्स साथ में लेकर गए थे, ठीक है। तो स्लेव्स में वेमेन स्लेव्स भी होती हैं और मेल स्लेव्स भी होते हैं, ठीक है। सेकेंड जो है आपका वो है कि ये जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये भी बहुत ज्यादा ऐसे गिफ्ट देते रहते थे। क्यों? क्योंकि ये तो खुद किंग है, तो इनके पास तो पहले से ही बहुत ज्यादा होगा। तो सुल्तान मोहम्मद जो थे, इन्हें एक प्रीचर थे, मतलब एक टीचर थे, जो कि धार्मिक टाइप की बातें सुनाते थे लोगों को, उनका नाम था नसीरुद्दीन, ठीक है। इनकी बातें जो है, नसीरुद्दीन जो है, इनकी बातें मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत अच्छी लगी। तो इन रिटर्न उन्होंने क्या दिया, तुगलक ने 1,00,000 कॉइन्स, ठीक है, जिसे कि टंकास बोला गया आपकी बुक में, टैंक लिखोगे और ए एस, ठीक है, टंकास, 1,00,000 टंकास दिए, मतलब कॉइन्स दिए, और 200 स्लेव्स जो है नसीरुद्दीन को गिफ्ट कर दिए।
उसी तरीके से इबन बतूता सिंध गए थे, अब मुल्तान जा रहे हैं, तो मुल्तान में जाकर गवर्नर से मिलेंगे। गवर्नर को क्या देंगे, क्योंकि गवर्नर की छोटी पोस्ट है, तो सिर्फ एक स्लेव दिया, एक हॉर्स दिया और कुछ रेजन्स मतलब किशमिश दे दी और थोड़े आलमंड्स दे दिए, मतलब कि आपके बादाम दे दिए, ठीक है। तो ये इन्होंने गिफ्ट दिए थे। तो आप देख सकते हो फीमेल जब एज स्लेव्स काम करेंगे तो क्या क्या इनका काम होता था। म्यूजिक और डांस में काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व थे। तो इबन बतूता ने बताया कि किसी की शादी थी तो ही एंजॉयड द डांस, ठीक है। उसके बाद जो आपके किंग्स होते थे वो क्या करते थे, फीमेल स्लेव्स को रखते थे ताकि वो उनके जो नॉबल्स हैं ना, जो जितने भी बड़े बड़े अफसर टाइप के कोर्ट में बैठते हैं, उनके ऊपर वॉच मतलब उनका देखना कि ये क्या मेरे साथ ही है, क्या ये मेरे खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहे, तो उनके पीछे पीछे जो है फीमेल स्लेव्स को भेज देना। उसके बाद फीमेल स्लेव्स जो है वो डोमेस्टिक लेबर भी करते थे, ठीक है। तो दोनों टाइप का करते थे, एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व थे और नॉन एग्रीकल्चर में भी लेबर में भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक मर्चेंट लेडी का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो आपकी फीमेल्स हैं वो घर की चार दीवारों में बंद नहीं है, शी इज गोइंग आउट एंड शी इज वर्किंग, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि फीमेल स्लेव्स जो हैं वो कम प्राइजेस में मिल जाती थी, इसलिए जो भी घर अफोर्ड कर सकता था उसमें एक या दो स्लेव्स तो होते ही थे, ठीक है। जो मेल स्लेव्स थे वो एक्चुअल में और भी काम करते थे, जैसे उस टाइम पर हमारे पास कार्स तो होती नहीं थी, तो अगर किसी को कहीं जाना है तो वो क्या करता था कि कोई कोई जो है वो डोली टाइप पैलिनक्विन होता है ना, उसे उठाने के लिए भी आपको स्लेव चाहिए होते हैं, तो उसका काम भी जो है ये लेबरर डोमेस्टिक लेबर वाले लोग करते थे, स्लेव्स करते थे, ओके। अब आप बात कर रहे हो सती के बारे में, सती के बारे में हमें एविडेंस मिला है इन द अकाउंट्स ऑफ बर्नियर। फ्रेंकोइस बर्नियर ने कहा है कि जो आपकी सती प्रैक्टिस है वो काफी प्रेवलेंट थी, ठीक है। कई तो कई विमेन होती थी जो कि कहती थी हाँ कि अगर हस्बैंड की डेथ होगी है तो उनकी चिता पर बैठकर, ठीक है, खुद भी अपनी जान दे देना, उसे सती प्रैक्टिस बोलते हैं। तो वो कई ऐसी होती थी कि जो कि कहती थी यस की ठीक है ये प्रैक्टिस, और वो ऐसा करते भी थे। कई जो गर्ल्स या फिर कई लेडीज होती थी जो कि मना करती थी, और दूसरे लोग उन्हें फोर्स करते थे कि आपको जलना ही है साथ में, ठीक है, उनकी चिता के साथ में, और वो भी जिंदा, ठीक है। तो फोर्स किया जाता था। तो आप देख सकते हो सती भी प्रेवलेंट थी और विमेन बाहर भी जा रही थी फॉर वर्किंग, ठीक है, फॉर अर्निंग। तो आप देख सकते हो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आपने तीन ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ा है और आपने विमेन की कंडीशन के बारे में भी इन द एंड ऑफ द वीडियो पढ़ लिया है। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। विद द टाइम आई एम जस्ट डूइंग ऑल द थिंग्स, ठीक है। थोड़ा टाइम की कमी होती है तो कभी कभी नोट्स डालने का छूट जाता है, ठीक है, काम। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। लाइक कीजिए प्लीज, सब्सक्राइब अगर आपको करना है कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।